दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सभी जगह जो भी स्थानीय नर्सरियां होती हैं उन पे नहीं मिल पाते, तो फिर ऑनलाइन ख़रीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ऐसे कुछ पौधे मैंने अडेनियम के ऑनलाइन मंगाए हैं, तो उनके बारे में मैं ये वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो पूरा देखिएगा और मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ कि मुझे जो मैंने ऑनलाइन अडेनियम के प्लांट्स मंगाए हैं ये कैसे निकले और कहाँ से मंगाए हैं, इनको कैसे मैं रिपोर्ट करूँगा, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको आज इस वीडियो में। तो ये देखिए, ये कुछ अडेनियम्स मैंने ऑनलाइन, ये आपके सामने कलर दिखाई पड़ रहे हैं, ये 8 अलग अलग कलर के रोजी वैरायटी के ग्राफ्टेड अडेनियम मैंने ऑनलाइन एक सेलर से खरीदे हैं। तो ये देखिए, अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये अडेनियम मुझे मिले हैं। साथी दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए दोस्तों, ये हैं अलग अलग कोडिंग के हिसाब से, इन्हें जो भी सेलर है उन्होंने टैग कर रखा है, अलग अलग उस पर टैग लगे हुए हैं। और ये टोटल मैंने 8 प्लांट ऑर्डर किए हैं और इनकी जो करीबन वैल्यू है वो ये करीबन 1560 रुपये के हैं विद शिपिंग जो कि मुझे प्राप्त हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेट ये दोस्तों 200 रुपये का एक अडेनियम पड़ रहा है जो कि ग्राफ्टेड है, रोजी वैरायटी है। तो अगर हमारी नर्सरी में कभी इस तरह के अडेनियम आते हैं तो कोई भी पौधा जो है 350 400 से नीचे नहीं मिलता है। साथ ही हाँ, थोड़े पौधे वो हेल्दी होते हैं बट 90% वो पौधे मिलते ही नहीं हमारे यहाँ। तो देखिए, इसमें बड भी थी, फ्लावर भी था बट वो ट्रांजिट में सूख गया। तो प्लांट बिल्कुल हमें हेल्दी मिले हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये 8 प्लांट मैंने मंगाए थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि जैसे ऑनलाइन पौधे आपको मिले हैं तो जो भी अडेनियम मिले हैं इनको आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है इनको बढ़िया से लगाने का। तो ये देखिए दोस्तों, ये 8 वो पौधे हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और मुझे डिलीवर हुए हैं। तो दोस्तों, साथ में इन्होंने अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं और वो मुझे भी भेजे हैं कि इनको कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। और नॉर्मली क्या है कि दोस्तों, सभी की जो पॉटिंग सॉइल होती है हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग बनाता है पॉटिंग सॉइल। मैं भी, मेरे पास काफ़ी अडेनियम है और मैंने सबकी पॉटिंग सॉइल अपने हिसाब से बना रखी है, लेकिन इनके लिए मैं इनकी पॉटिंग सॉइल जो भी सेलर के रिकमेंडेशन के अनुसार ही तैयार करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आपको पौधे मिले तो आप किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें आधा चम्मच या एक चम्मच कोई फंगीसाइड है आपके पास, तो मैंने साफ फंगीसाइड यूज़ किया है, आप कोई भी फंगीसाइड उसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डोज होगा करीबन 2 ग्राम आपको एक या फिर एक चम्मच जो है 1 लीटर फ्रेश पानी में आपको मिलाना है। तो पानी की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं आपके पौधों की संख्या के अनुसार। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पौधे हैं उनका जो निचला सिरा है जिसमें रूट्स हैं और जो इसका तना होता है जिसे कोडेक्स कहते हैं, वो इस तरह से रखना है कि डूब जाए। ये देखिए, इस तरह रख देते हैं। और आप, अगर आपके पास साफ फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप बेविस्टियन यूज़ कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दोनों इनमें से कुछ भी नहीं है तो कोई अन्य फंगीसाइड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन्हें कुछ मिनटों के लिए, करीबन 8 से 10 मिनट के लिए यूं ही ऐसे छोड़ दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि इनकी रूट्स जो हैं अच्छी तरह से इस फंगीसाइड में डूब जाएं। तो पौधे बिल्कुल हेल्दी प्राप्त हुए हैं, कोडेक्स इनका सही है। और इनको हमने पहले जैसे ही रिसीव हुए, हमने अनबॉक्सिंग करने के बाद इनको करीबन 4 से 5 मिनट या फिर मैक्सिमम 7-8 मिनट, जितना आप चाहें इनको कुछ देर के लिए आप ऐसे करके डिप करके रख दीजिए। आप क्या करेंगे दोस्तों, इनको निकालेंगे और किसी सरफेस पे सूखने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, एक कार्डबोर्ड है, इसमें मैं निकाल निकाल कर रख रहा हूँ और इस सॉल्यूशन से आपको निकालना है और इन्हें शेड में रखना है और जहाँ पे इन्हें लाइट मिले, नेचुरल लाइट मिलती रहे और एयर का सर्कुलेशन रहे वहाँ पर, और इनको ऐसे करके कम से कम 3 से 4 दिन ऐसे ही रखना है। तो ये देखिए, मैं निकाल लेता हूँ और इनको
सूखने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, ये 8 पौधे निकाल लिए हैं और इनको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं करीबन 3 से 4 दिन के लिए। आपको इन प्लांट्स को किसी भी चीज़ से कवर नहीं करना है और इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ मैंने बताया आपको कि एयर का सर्कुलेशन रहे, नेचुरल लाइट आती रहे। अब तैयार करते हैं दोस्तों इसकी सॉइल। तो सेलर के रिकमेंडेशन के हिसाब से हम तैयार कर रहे हैं जैसे मैं बताया। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों हमें ज़रूरत है सैंड की। तो आपके पास सैंड होनी चाहिए, तो आप सैंड जो है करीबन 30% यूज़ कर लीजिए। जो भी रिवर सैंड है उसको आप 30% यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अब दूसरी चीज़ है हमारी गार्डन सॉइल। जो भी आपकी गार्डन सॉइल है, पॉटिंग मिक्स है, उसको आप करीबन 20% यूज़ करेंगे। तो ये हमारी गार्डन सॉइल भी हो गई करीबन 20%। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की कि कौन सी क्या उसमें होना चाहिए। तो तीसरा हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों इसमें वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट इसमें हम देखिए फुली बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट है और इसको हम यूज़ करेंगे इसकी पॉटिंग सॉइल बनाने में। तो पॉटिंग सॉइल में इसको हम रखेंगे करीबन 20% और बाकी दो 20% रखेंगे दोस्तों कोकोपीट। वैसे नॉर्मली कोकोपीट मैं रखता नहीं हूँ, लेकिन सेलर ने रिकमेंड किया है तो इसलिए मैं इस बार इसकी मात्रा इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो इसको हम रखने जा रहे हैं 20%। अब दोस्तों जो बाकी 10% बच रहा है उसमें हम यूज़ करेंगे नीम केक फर्टिलाइज़र, बोन मिल, अगर आपके पास हॉर्न मिल है, सुपर फास्फेट है, तो वो सब की मात्रा आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं उसमें ऐड करने जा रहा हूँ, ये है मेरा नीम केक फर्टिलाइज़र, जिसे नीम केक पाउडर बोलते हैं या नीम केक फर्टिलाइज़र बोलते हैं। इससे पौधों में फंगस इत्यादि की समस्या नहीं होती, साथ ही बहुत सारे इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कुछ मात्रा है दोस्तों बोन डस्ट की या फिर बोन मूल की, इसको भी इसमें ऐड करेंगे। तो बाकी जो 10% है ये हमारे पॉटिंग सॉइल में ये चीज़ें शामिल हो जाएंगी। अगर आपके पास हॉर्न मिल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं इसी 10% के अंदर। तो अब इन सबको बढ़िया से मिक्स करके हमारा जो पॉटिंग सॉइल है अडेनियम का वो तैयार करेंगे दोस्तों। साथ ही आप इसमें कुछ ईंटों के टुकड़े और कोयले के टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं। इनसे जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है और जो भी इसका सॉइल मीडिया है वो बहुत बढ़िया रहता है अडेनियम के लिए। ये देखिए मैंने इसमें टुकड़े करके ऐड कर रखे हैं। तो अब जो भी मैंने आपको सामग्री बताई, सैंड, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, गार्डन सॉइल और नीम केक फर्टिलाइज़र, बोन मील, इन सबको अच्छी तरह से आप मिलाएंगे, एक सार मिलाएंगे कि सारे ही जो पूरा अच्छी तरह से मिल जाए और सब जगह की क्वांटिटी पहुंच जाए। और दोस्तों अपनी पॉटिंग सॉइल में हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है हमारा फंगीसाइड। तो मेरे पास साफ फंगीसाइड है, तो साफ फंगीसाइड का 1 चम्मच मैं इसमें अपनी पॉटिंग सॉइल में ये भी ऐड करूँगा, क्योंकि अडेनियम के लिए फंगस बहुत जल्दी लगता है और बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इससे जो है सुरक्षा होती है और इस तरह से जो है हम इस सॉइल को रेडी कर लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉट की। तो सबसे पहले तो आप चाहें तो मिट्टी के पॉट में लगाइए, फिर प्लास्टिक के पॉट में लगाइए। तो ये देखिए पौधे मेरे 4 दिन के बाद रेडी हैं पॉटिंग के लिए। तो नॉर्मली क्या करना है दोस्तों, आप 6 इंच का पॉट सेलेक्ट कीजिए 3 से 4 इंच के प्लांट के लिए और 8 इंच के पॉट सेलेक्ट कीजिए करीबन 5 इंच के प्लांट के लिए। हमेशा कोडेक्स से थोड़े ही बड़े होने चाहिए, 1 से 2 इंच। तो मेरे पास फिलहाल ये 8 इंच के पॉट हैं, तो इनमें मैं 2-2 करके प्लांट लगाऊंगा। अगर आप दोस्तों क्ले पॉट यूज़ करते हैं तो 5 इंच के पॉट सफिशियंट है, 3 से 4 इंच का पौधा जो है उसके लिए सफिशियंट है। ऐसी प्रकार 7 इंच का पॉट जो है वो करीबन 5 इंच के पॉट के लिए सफिशियंट है। तो ये मोटा मोटा फार्मूला है, आपके जो भी पौधा है उसके उसे करीबन 2 इंच एक्स्ट्रा पौधा आप जो डाया है उसका लीजिए पॉट का, तो ये सफिशियंट रहता है, कोडेक्स बढ़िया उनका निकल के आता है, तैयार होता है। तो मेरे पास ये 4 पॉट हैं, इनमें ही मैं इनको शिफ्ट करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए आप चलिए इनको भर लेते हैं और इनको लगा देते हैं। तो ये सारी पॉटिंग सॉइल मैंने इसमें भर के इनको इसमें मैंने प्लांट कर दिया है। तो ये रिपोर्ट कर दिए हैं मैंने अपने अडेनियम। तो मेरे पास 8 अडेनियम थे जिनको मैंने 2-2 करके लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास पॉट की कमी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने हर गमले में 2-2 करके पौधे लगा दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी वाटरिंग की। तो आप जब पहली बार वाटरिंग करेंगे तो हल्की वाटरिंग करेंगे और उसके बाद इन्हें शेड में रख देंगे, इन्हें खुली धूप में नहीं रखेंगे। करीबन 2 दिन बाद आप फिर हल्की वाटरिंग करेंगे और करीबन 7 दिन बाद आप इनमें फुल वाटरिंग करेंगे और उसके बाद इन्हें पूर्णतया
आप सूरज की रोशनी में शिफ्ट कर देंगे। तो आप शुरुआत के 7 दिनों तक आप इन्हें शेड में रखना है और उसके बाद आप इन्हें पूरे सनलाइट में आपको रखना है। तो कुछ दिनों बाद आपके पौधे डेवलप हो जाएंगे और उनमें फ्लावरिंग इत्यादि शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मेरे कुछ पुराने पौधे हैं जो बढ़िया से ग्रो कर रहे हैं और कुछ में बर्ड्स भी आई हुई हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय दोस्तों।